नमस्ते, जय माता दी। टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का सातवां दिन यानी महासप्तमी माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। दुर्गा माँ की पूजा का सातवां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजन करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। तो आइए हम माँ कालरात्रि की स्तुति कर कथा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि को काली का ही रूप माना गया है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिणकाली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट डाला। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के टुकड़े हो गए और वह महादैत अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा दानव रक्त बीज था। इस दानव ने जनमानस के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो हूबहू उसके जैसा ही दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्यराज रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्तों को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का अंत करने वाला माता पार्वती का यह रूप कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि स्त्रोत ही कालरात्रि श्री कराली चीम कल्याणी कलावती काल माता कल गर्भनी कम दीश कृपान्विता काम बीज जपानदा काम बीज स्वरूपिणी कुमित धनी कुल नर्ती नाशिनी कुल कामिनी क्लीं ह्रीं श्री मंत्र वर्णेन काल कंटक घातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपा पारा कृपा। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको माँ महागौरी की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।